हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प एमके। आज आप लोगों को दिखाएंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर पर ब्रेक शू चेंज करते हैं कैसे, इस वीडियो में दिखाएंगे। ज्यादातर इलेक्ट्रिक स्कूटर पर ब्रेक शू नहीं मिलता है सही मॉडल का। अगर नहीं मिलता है तो दूसरा ब्रेक शू कैसे लगाएंगे, दूसरा मॉडल का ब्रेक शू कैसे लगाना चाहिए इस वीडियो में दिखाएंगे। सही से फिट करना कैसे चाहिए वो भी दिखाएंगे। कौन सा मॉडल का लगाना चाहिए, कौन सा मॉडल का लगेगा तो इस वीडियो में दिखाएंगे। जितना इलेक्ट्रिक स्कूटर है, छोटा चक्का वाला, 310 टायर वाला, सभी मॉडल का ब्रेक शू कौन सा लगता है इस वीडियो में दिखाएंगे। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का ब्रेक दाम फंस जाता है। ज्यादातर इलेक्ट्रिक स्कूटर पर कोई भी मॉडल हो सकता है, ज्यादातर मॉडल पर ये ब्रेक दाम फंस जाता है मोटर का एक्सेल से। तो वो कैसे खोलेंगे, अगर ब्रेक दाम मोटर पर फंस जाता है तो कैसे खोलेंगे, इस वीडियो में डिटेल्स दिखाएंगे आप लोगों को। कोशिश करेंगे मोटर का बियरिंग कैसे ग्रीज करता है और मोटर का सेंसर क्या है इसमें, वो भी दिखा देंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स दिखाएंगे कौन सा मॉडल का ब्रेक शू लगाना चाहिए, कौन सा मॉडल का लगेगा, ब्रेक डाम नहीं खोलने से कैसे खोलेंगे, कितना खर्चा आएगा, कौन सा मॉडल पर ये ब्रेक शू लगेगा, डिटेल्स इस वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए, वीडियो अच्छा होने वाला है, पूरा वीडियो देखते जाइएगा, नहीं तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। और वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ब्रेक शू कैसे चेंज करता है वो बता देते हैं। तो पहले पीछे का चाखा खोल लेते हैं। और इस चाखा को खोलने के लिए आप लोग देख सकते हैं, ये नाट खोलना होगा और ये स्क्रू खोलना होगा। ये भी नाट है, इसको खोलना होगा। और ये ढीला करने से भी हो जाएगा, इसका कनेक्शन नहीं खोलना है, सिर्फ ये इसका कनेक्शन जो ये केबल दे के बांधा हुआ रहता है इसको ढीला कर लेना है, कनेक्शन नहीं खोलना है। इस केबल को जो बांधा हुआ है ये काट लेंगे हमने और ये बोल्ट खोल लेंगे। तो देखिए, हमने कनेक्शन ढीला कर लिया और इधर देखिए, इस नाट को ढीला करेंगे और ये नाट खोल लेंगे। इसको खोलना होगा और ये ब्रेक का नाट खोलना होगा तो चाखा निकल जाएगा। तो चलिए ये नाट खोल लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोनों नाट खोल लिया, उसके बाद इसको निकाल लेंगे। तो देखिए ये निकल गया। तो देखिए, मेरे इधर मेन रोड है तो बहुत गाड़ी जाता है, इसलिए आवाज का थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए, उसके बाद इधर ब्रेक शू रहता है, इधर खोलेंगे। ये ड्राम थोड़ा सा जाम रहता है कभी कभी, ये ड्राम, ब्रेक ड्राम, तो थोड़ा सा जंक क्लीनर दे देंगे क्योंकि इजी निकल जाए, इसीलिए जंक क्लीनर दे दिया। ये जंक क्लीनर आपको चाहिए दूसरा कंपनी का होगा तो इसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जाके ले सकते हैं, अमेजोन से आपको मिल जाएगा। ये ब्रेक ड्राम भी जाम है तो इसको थोड़ा सा खोलेंगे। तो देखिए, ये नहीं निकल रहा है, ये बहुत जाम है, तो थोड़ा सा इसको ठोक लेंगे। उसके बाद जाम है, ये नहीं निकल रहा है तो इसका कनेक्शन खोल लेंगे। कनेक्शन खोल के इधर हाइड्रोलिक पर लगा के इधर चापेंगे तो इधर निकल जाएगा स्टार्टर समेत, ठीक है, स्टार्टर समेत पूरा निकल जाएगा। मोटर का जो कॉयल होता है, कॉयल समेत निकल जाएगा, जो अंदर में कॉयल रहता है कॉयल समेत इधर निकल जाएगा और इधर दाम निकल जाएगा। तो इसलिए कनेक्शन खोल लेना होगा। कनेक्शन खोल के आप लोगों को दिखाते हैं। और उससे पहले ये एलंकी खोल लेना होगा, जितना एलंकी नाट है सब खोल लेना होगा। ये 4 नंबर एलंकी है, एलंकी से ये नाट खोल लेंगे तो ये ढाका है, मोटर का ढाका, मोटर का ढाका और कॉयल समत पूरा निकल जाएगा। तो चलिए कनेक्शन खोल लेते हैं। तो देखिए, ये जॉनसन बॉक्स है मोटर का, कनेक्शन जो मोटर से आता है। ये सेंसर का वायर है, ये खोल लेंगे सेंसर का वायर। और ये जो तीनों वायर लगा हुआ रहता है जॉनसन बॉक्स पर, ये कंट्रोलर पर लगा हुआ रहता है कुछ कुछ मॉडल पर, और कुछ कुछ मॉडल पर यहाँ रहता है। तो इस जॉनसन बॉक्स को हम खोल लेंगे और खोल के कनेक्शन भी खोल लेते हैं, दिखा देते हैं आप लोगों को। तो देखिए, ये तीनों कनेक्शन खोल लेंगे, ये 8 नंबर सॉकेट से खोल जाएगा। तीनों कनेक्शन खोल के आप लोगों को दिखा देते हैं। तो देखिए, ये तीनों कनेक्शन खोल लिया। ये कलर मिला के लगा हुआ रहता है, ब्लू से ब्लू, ग्रीन से ग्रीन, येलो से येलो। लगाने का टाइम ये कलर मिला के लगाना होगा, ये ध्यान पर रखना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। ये कनेक्शन खोल गया, तो चलिए मोटर खोल लिया, कनेक्शन भी खोल लिया। उसके बाद इसको हाइड्रोलिक पर चाप देके निकाल लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को ब्रेक शू चेंज करके दिखाएंगे, इसके अंदर कितना साइज ब्रेक शू लगता है, कैसे लगता है, कितना प्राइस है। अगर आपको नहीं मिलता इस मॉडल का तो कौन सा मॉडल का आपको लगाना चाहिए,
वो भी बता देंगे इस वीडियो में। तो देखिए इस हाइड्रोलिक मशीन से ब्रेक ड्राम को निकालेंगे, पूरा प्रोसेस आप लोगों को दिखाएंगे, पूरा वीडियो देखते जाइए। तो देखिए यहाँ पर चाखा को लगा देंगे, पूरा जो व्हील है ये मोटर वहाँ पर फिट कर देंगे। और फिट करने से पहले एक बार बता देते हैं, ये जो मोटर का ड्राम है ड्राम पर सपोर्ट नहीं लगाएंगे, रिम पर लगाएंगे, ये ड्राम प्लेट पर नहीं लगाएंगे कोई भी सपोर्ट, नहीं तो मोटर प्लेट फट जाएगा। यहाँ पर लगाएंगे रिम पर, इधर एक लगाएंगे और इधर एक लगाएंगे लकड़ी का सपोर्ट लगाएंगे। लगा के अब लोगों को दिखाते हैं कहाँ पर सपोर्ट दिए हैं। तो देखिए हमने चाखा को फंसा लिया हाइड्रोलिक मशीन पर, और कहाँ पर हमने सपोर्ट दिया है वो भी एक बार दिखा देते हैं। देखिए नीचे कैमरा ले जाके कोशिश करते हैं आप लोगों को दिखाने का। तो देखिए नीचे अब लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा रिम पर सपोर्ट लगा हुआ है, लकड़ी का जो सपोर्ट होता है रिम पर है, मोटर पर नहीं है। देखिए इधर भी रिम पर है, टायर का जो रिम होता है वहां पर सपोर्ट लगा हुआ है, मोटर का प्लेट पर सपोर्ट नहीं है, रिम पर लगा हुआ है। उसके बाद देखिए इधर से हम हाइड्रोलिक प्रेशर दे रहे हैं, धीरे धीरे नीचे तरफ स्टार्टर कॉयल खोलेगा और ऊपर तरफ ब्रेक ड्राम खोल जाएगा, धीरे धीरे हाइड्रोलिक प्रेशर दे रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। और ये जो चाखा का नाट हमने लगा के रखे हैं, थ्रेड खराब ना हो जाए इसीलिए लगा के रखे हैं, नाट नहीं लगाने से भी चलेगा, थ्रेड खराब नहीं होगा। तो देखिए प्रेशर देने से धीरे धीरे नीचे जा रहा है, देखिए कटा करके साउंड आया, मतलब ये खोल रहा है, एक्सेल जो होता है स्टार्टर का जो शैफ्ट होता है वो नीचे जा रहा है। बहुत सावधानी से धीरे धीरे खोलना होगा, किसी किसी का केस में ऐसा भी हुआ है ब्रेक डाउन बहुत दिन तक खुला नहीं है तो शैफ्ट के साथ बहुत जाम हो गया, तो खोलने का टाइम ज़्यादा प्रेशर दे दिया तो ब्रेक डाउन टूट गया है या मोटर का प्लेट टूट गया है, ऐसा भी हुआ है। कोई एक वीडियो में दूसरा वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे। तो इस केस में ऐसा नहीं है, ये एक्सेल नीचे जा रहा है, मतलब ब्रेक डाम खोल गया है, ब्रेक डाम फ्री हो गया है, मतलब खोल गया है, जो एक्सेल में नाट फंसा के रखे थे वो खोल के आप लोगों को ब्रेक डाम निकल के दिखा रहे हैं। तो देखिए नाट निकल लिया, उसके बाद ब्रेक डाम आराम से निकल जाएगा, देखिए निकल गया है। तो ऐसे करके आप लोगों को हाइड्रोलिक मशीन पर ब्रेक डाम खोलना चाहिए, देखिए टूटा भी नहीं है, सही से आराम से खुल गया है। और मोटर का दूसरे तरफ भी दिखा देते हैं, स्टार्टर और मोटर का कवर कैसे खोला है। तो देखिए इतना सा खोल के आ गया है, दूसरे तरफ मोटर का जो स्टार्टर और कवर होता है थोड़ा सा खुला है। तो इसको फिर एलन की नाट टाइट कर देंगे, टाइट करने से पहले यहाँ पर गैस्केट मेकर दे देंगे, उसके बाद एलन की नाट टाइट करेंगे, क्योंकि ये मोटर वाटर प्रूफ होता है। मोटर को कैसे वाटर प्रूफ करता है कोई दूसरा वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो देखिए ये एक्सेल पर मोटर ड्राम फंस जाता है, तो चलिए आप ब्रेक शू लगा के आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए ये खोल गया, ये देख सकते हैं खोल गया है, और इसका लगाने का टाइम दिखा देंगे क्या करना होगा, इसको फ्री कर लेना होगा, इसको घस के बता देते हैं अभी, इसको घस के फ्री कर लेना होगा, सीरीज पेपर से या फाइल से घस के फ्री कर लेना होगा, ये इजी घूम पाए। और लगाने का टाइम ये ग्रीज दे के लगा देना होगा, ग्रीज दे के, तो जाम नहीं होगा, दूसरा टाइम खोलेंगे तो इजी खोल जाएगा, ऐसे करके लगाना होगा। ब्रेक शू कैसे चेंज करना है, ये एक्सेल भी फ्री है, तो देखिए ये ब्रेक शू जो है इस पर लग जाएगा, ये ओकिनावा रिच 30 मॉडल पर ब्रेक शू लग जाएगा। तो इस ब्रेक शू को खोल लेते हैं, तो देखिए ये ब्रेक शू खोल गया है, उसके बाद ये ब्रेक शू लगा लेंगे। ये बजाज एमएटी का ब्रेक शू है, आप लोग देख सकते हैं BJMFT लिखा है, बजाज का लग जाएगा। इसका जो साइज है ब्रेक शू का 110mm साइज है, 110mm का जितना ब्रेक शू है सभी ब्रेक शू इस गाड़ी पर लग जाएगा। और ये ब्रेक शू आप एम्पियर पर लगा सकते हैं, ओकिनावा पर लगा सकते हैं, जितना छोटा टायर वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है 310 जिसका टायर नंबर है, सभी गाड़ी पर ये ब्रेक शू लग जाएगा। 110mm का साइज है, ये ब्रेक शू जो साइज है 110mm का है, ये बजाज एमिटी का ब्रेक शू है, अगर नहीं मिलता है तो आप लगा सकते हैं आराम से। इसको फिटिंग कर लेते हैं, फिटिंग करने का जो प्रोसेस है सिंपल है, ये दोनों जो पुराना वाला स्प्रिंग है यहाँ पर लगा देंगे। तो देखिए ये स्प्रिंग लगा लिया, उसके बाद आपको इस कैंपर थोड़ा सा ग्रीज कर देंगे, उसके बाद इस ब्रेक शू फिटिंग कर देते हैं, देखिए दिखा देते हैं कैसे फिटिंग करना है। तो नीचे करके लगाते हैं, ये लग गया ब्रेक शू, उसके बाद ड्राम पर लगा लेंगे ऐसे। तो देखिए ये ब्रेक शू नहीं घुस रहा है,
तो नहीं घुसने से आप लोगों को क्या करना होगा, अगर ब्रेक शू नहीं घुसता है क्या करना होगा बता देते हैं। यही ब्रेक शू लगेगा, 110 mm का बजाज एमएटी का ब्रेक शू लगेगा। अगर ब्रेक डम्पर नहीं घुसता है तो क्या करना चाहिए, अगर ब्रेक शू नहीं घुसता है फिर एक बार खोल के हम आप लोगों को दिखा देते। अगर ब्रेक शू ब्रेक डम्पर नहीं घुसता है तो ये दोनों साइड घस लेते हैं तो ब्रेक डम्पर ढुक जाएगा। ये जो ब्रेक शू का दोनों साइड है घस लेना है, इधर भी घसना है और इधर भी घस लेना है, दोनों साइड ब्रेक शू का घस लेना है, यहाँ पर सही से घुसना चाहिए। तो हम ये घस लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कि हमने ये ब्रेक शू घस लिया दोनों साइड, ये साइड भी घस लिया और ये साइड भी घस लिया। दोनों ब्रेक शू का ये साइड घसना है, ये साइड घसना है, इस ब्रेक शू का ये साइड घस लेना है, ये साइड भी घस लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर लगा देना है, उस ऐसे करके फिर लगा देना है, घस के लॉक पर बैठा देना है। ये बैठा नहीं है, ये थोड़ा सा उठेगा, देखिए अभी बैठ गया है, ठीक है अभी बैठ गया है ब्रेक शू। अब देखिए डम्पर घुसा रहे हैं तो ठीक घुस जाएगा, देखिए ठीक है सही से घुस गया है, ठीक है। ये ब्रेक शू थोड़ा सा मैला हो गया है तो इसको ये ब्रेक डाम भी घस लेंगे सीरीज पेपर देके, उसके बाद लगाना चाहिए। थोड़ा सा इस डाम को भी घस लेंगे, ये डाम घसना इसीलिए चाहिए तो ब्रेक अच्छा पकड़ेगा। सीरीज पेपर से ये डाम घस लेते हैं। आप बताते हैं ये ब्रेक डाम से पर ना जाम हो जाए तो क्या करना होगा, तो इसीलिए आपको ये घस के सीरीज पेपर से घस के इसको थोड़ा सा फ्री कर देना होगा, इसका जो होल है, ठीक है। उसके बाद ग्रीज दे देना होगा, तो ग्रीज दे देने से क्या होगा, आपका ब्रेक डाम दूसरा टाइम जब खोलेंगे तो इजी खोल जाएगा अच्छा से। इस शेफ पर भी ग्रीज दे देना है, सिर्फ शेफ पर देना है डाम पर नहीं, ठीक है। उसके बाद लगा देना है, तो देखिए ये इजी हो गया, घुस गया है। उसके बाद चाकापर लगा देते हैं, तो चलिए लगाने का जो प्रोसेस है सिंपल है वो भी दिखा देते हैं आप लोगों को। लगाने का जो प्रोसेस है, ये जो वायर है ये नीचे रहेगा, अगर ऊपर लगा देते हैं ऐसे करके लगा देते हैं तो ये वायर में पानी घुसेगा मोटर पर, ठीक है। इसीलिए ये मोटर का वायर नीचे रहेगा, इधर रहेगा, ठीक है। उसके बाद लगा लेना है ऐसे करके, तो देखिए लग गया, चाका भी फ्री है। उसके बाद इस नट को यहाँ पर लगा लेना है, और चाका कहाँ पर रखेंगे वो भी एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए ये नट फंसा के जितना पीछे आएगा, देखिए ये पीछे आ गया, यहाँ पर रख दीजिए। सेम प्रोसेस उधर भी है, उधर भी दिखा देते हैं। इधर भी चाका जो एडजस्ट होगा नट फंसा के लास्ट पर रहेगा, ठीक है। तो दोनों तरफ सही से एडजस्ट हो गया, मतलब जहां पर रखेंगे दोनों तरफ सेम रखे, सेम रखने से चाका टाल नहीं घूमेगा, सही से एडजस्ट होगा। ऐसे करके दोनों तरफ नाली टाइट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये ब्रेक केबल फिर लगा लेते हैं, उसके बाद ये स्प्रिंग लगेगा, उसके बाद ये ब्रेक कैम का ये गुटका रहता है ये लगेगा, उसके बाद ये वायर फंसा लेंगे, उसके बाद इस नट को फंसा लेंगे, ठीक है। आप जितना आपका ब्रेक चाहिए उतना कर सकते हैं। अगर आपका ये नट नहीं लगता है, ब्रेक से थोड़ा मोटा है, तो इस क्लैम्प को खोल के आगे कर सकते हैं। ये जो ब्रेक क्लैम्प है कैम पर लगा हुआ है, थोड़ा आगे कर सकते हैं अगर ये नट नहीं फंसता है तो, नहीं तो जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। उसके बाद आपको जैसा ब्रेक करना है कर लीजिए, ब्रेक जितना रखना चाहिए रख लीजिए। देखिए ब्रेक सही से पकड़ रहा है, ठीक है। देखिए ब्रेक ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग ब्रेक शू लगा सकते हैं। डाम नहीं खोलने पर कैसे खोलना चाहिए वो भी इस वीडियो में आप लोगों को दिखाया है। और आप लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर में कैसा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इसी तरह नया नया वीडियो देखना चाहते हैं तो टेक्निकल हेल्प एमके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सब्सक्राइब करने से होगा कि हम जब भी वीडियो डालेंगे आप लोगों को मिल जाएगा, और बगल में बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन करके रखिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। और ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दूसरा वीडियो में।